गुड मॉर्निंग, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो भाई अभी बज गए हैं 5:30 सुबह के और मैं जा रहा हूँ रनिंग करने के लिए 5:30 बजे। कल मैं 6:30 बजे गया था, आज 5:30 बजे जा रहा हूँ क्योंकि 5:30 बजे थोड़ा मौसम भी अच्छा होता है और लोग भी ज़्यादा नहीं होते, तो इसी वजह से 5:30 बजे जा रहा हूँ मैं। तो अच्छी बात है भाई, जल्दी उठना। उठ तो मैं 5:00 बजे गया था, लेकिन थोड़ा तैयार वगैरह होते हैं ना रनिंग वनिंग करने के लिए, एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। बल्कि अभी सड़कों पे कोई नहीं, आपको दिख रहा होगा। तो भाई चलो चलते हैं जल्दी से और रनिंग वनिंग करके फिर आपसे मिलता हूँ मैं। कुछ रास्ते के सिनेमैटिक्स दिखा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बीच बीच में मिलते रहेंगे। तो अभी मैं अखाड़े से पार्क में आ गया हूँ। आज तो मैंने पूरा पूरा रूटीन अपना जितना मेरा होता है एक्सरसाइज होता है वो किया है। पसीने भी दिख रहे होंगे आपको, पता नहीं दिख रहे होंगे या नहीं दिख रहे, लेकिन आप बहुत रहे हैं। और भाई क्या, आज मैंने बस डंबल नहीं किए और तो सारी एक्सरसाइज की, डंबल करूँगा कल से। पता नहीं यार आज क्यों नहीं किए, वो बाहर अखाड़े पे रखे नहीं थे डंबल, और अंदर एक हॉल है उसमें पंखे चलते रहते हैं, तो उसमें मैं गया नहीं क्योंकि पसीना आ रखा था। बाकी यहाँ पे पेड़ पौधे देखो कितने सही सही होते हैं, और भाई देख लो अपने वादे पे पक्का हूँ मैं। कल भी गया था, आज भी गया हूँ, और भाई शाम को भी जाऊँगा। अभी मैं अपनी कॉलोनी में आ गया हूँ। कल मैं इस टाइम एक्सरसाइज करने गया था और आज मैं इस टाइम एक्सरसाइज करके आ गया हूँ। ये होता है सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा, क्योंकि पसीने अब भी आने हैं मुझे, थोड़ी देर बाद छूटेंगे। और अभी मैं घर जाते ही थोड़ी देर रुकूंगा और फिर एक गिलास मैंगो शेक पी के आऊँगा बाहर से जूस की दुकान से, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है भाई, और क्या। तो चलो चलते हैं। तो अभी मैं मैंगो शेक पी के तो आ गया हूँ, और भाई मैं साइकिल पे ही गया था तो मेरी एक्सरसाइज भी हो गई, साइकिलिंग भी हो गई, और भाई काफ़ी अच्छे भी एक्सरसाइज आज का पूरा दिन। और फिर उसके बाद मैंने मैंगो शेक भी पी लिया, तो जैसे पानी नहीं पीते हैं एक्सरसाइज करके आके तुरंत से, लेकिन जूस वगैरह पी लेते हैं तो अच्छा रहता है, तो इसीलिए। तो अभी मैं नहा धो के तो रेडी हो गया हूँ, मैं जूस वगैरह पी के आ गया था, एक्सरसाइज कर ली थी, सब कुछ कर लिया था। फिर देखो भैया अभी 8 बजने में भी 10-5 मिनट हैं और मैं आज नहा धो के रेडी हो गया हूँ। अभी मैं ट्यूशन का होमवर्क करूँगा, फिर यार मैं एक ड्राइंग बनाऊँगा। मैं नई वाली एक और शीट लाया हूँ ना, पहले तो गणेश जी की बनाऊँगा उन पर ड्राइंग, और फिर बनाऊँगा द लेजेंड सिद्धू मूसेवाले की। और भाई ये देखो मैं जल का लोटा सूर्यदेव को देने के लिए जा रहा हूँ, जल अर्पित करते हैं जैसे सूर्य देव को। तो चलो भाई भाइयों, अभी मैंने अपना होमवर्क वगैरह भी कर लिया है जो कि मुझे ट्यूशन का मिला था। अब मैं फ्री हो गया हूँ, मैं ड्राइंग कर सकता हूँ, ब्लॉगिंग कर सकता हूँ। और मम्मी आज बनानी है गोभी और गोभी आलू, अभी तड़का वड़का ये क्या होता है मम्मी, छोंक रही है गोभी को। तो ये रही मम्मी, और भाई अभी मैं कलावा बंधवाता हूँ हाथ पे, और फिर मैं थोड़ा अभी ये मेरे बादाम और मुनक्खा वगैरह खाऊंगा, फिर मैं भाई ड्राइंग बनाऊंगा थोड़ा, अभी इन्हें खा के थोड़ा रेस्ट करूंगा और फिर ड्राइंग बनाऊंगा। तो अभी दोपहर मैं ड्राइंग करने की सोच रहा था, लेकिन मैं सो गया था क्योंकि सुबह जल्दी उठा था ना, तो अभी हम जाने किसी जरूरी काम से, वो आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा क्या जरूरी काम है। तो चलो चलते हैं, मम्मी भी जा रही है। ये देखो यो, अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं दूध लेने, लेकिन यार दूध लेने जाते वक्त जो रास्ता होता है वो बजरंगबली का मंदिर भी पड़ जाता है, ये नहीं मम्मी। तो भाई दिया भी जला देंगे, ये देखो हमने सामान ले लिया है थोड़ा बहुत, क्योंकि यार मैं मंगल को जाता था और मंगल को मैं जा नहीं पा रहा दो हफ्तों से। तो अभी हम मंदिर आ गए हैं, देखो ऐसी कुछ मंदिर है भाई, काफी ज्यादा अच्छा मंदिर है, और जो सुकून मिला है ना यहाँ के, मैं तो भाई पता नहीं मम्मी को कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा बेटे, मंदिर भाई 2 हफ्तों से आ नहीं रहे थे और आज आए, इतना अच्छा लगा है ना हकीकत में, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, सीरियसली मेरे दिल से पूछ के देखो, अगर दिल बोलता तो मैं बताता। देखो कुछ ऐसे बजरंगबली हैं जो कि यार काफी अच्छे हैं, बहुत ज्यादा मदद करते हैं भाई जीवन में। तो भाई इसमें ना सब भगवान के मंदिर हैं अलग सेपरेट, जैसे एक सेपरेट ये हो गया, ये शनिदेव का होगा सेपरेट, ये किसी और भगवान का, तो ऐसे ही बहुत सारे मंदिर हैं इस पूरी जगह में। एक पीपल का पेड़ भी है, नहीं भाई ये पीपल का पेड़ नहीं है, किसी और चीज़ का पेड़ है। तो भाई यहाँ पे शायद, यहाँ पे मुझे लगता है
जो दुर्गा माँ है उनका मंदिर है। हाँ शायद, हाँ भाई तुम्हारा भाई आता रहता है यहाँ पे मंदिर में तो पता है मुझे। तो ये रही हमारी दुर्गा माँ, जिन्हें प्रणाम करना हो, कोई वो कोई मनोकामना जिसे बोलते हैं वो मांगनी हो तो मांग सकता है भाई व्लॉग में देख के। पूजा वगैरह तो हो गई है यहाँ पे, ऐसे कुछ अच्छे अच्छे पेड़ भी हैं और वो खड़ी अपनी स्कूटी, अपना बीस्ट है भाई वो। तो अभी चलते हैं दूध लेने के लिए क्योंकि दूध का भी टाइम हो रहा है, तो चलो यार चलते हैं। यो अभी मेरा ट्यूशन, मतलब मैंने ट्यूशन पढ़ लिया है 1.5 घंटे का अपना पूरा, और अभी हम जाएंगे भाई बुक पूछने के लिए क्योंकि मैं 11th में आया हूँ ना, तो मुझे 11th की बुक चाहिए होंगी। तो अभी मैं कुछ मेन बुक लेके आ जाता हूँ जिससे कि आज ये जो एक महीना मेरे पास है उसमें मैं अपनी तैयारी अच्छे से कर सकूँ। जो आज का हमारा दिन यही भी समाप्त होता है, तो अगर आपके व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।